माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 2023-24 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर दिया। मनोज जी लिस्ट में, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। लिस्ट मैंने इस पूरे बजट का अवलोकन करने का काम किया और इससे संबंधित सभी साहित्यों का भी अवलोकन करने का काम किया। मान्यवर, ये बजट सपने बेचने वाला बजट है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, महिला विरोधी है, मजदूर विरोधी है और इस प्रदेश को विकास की तरफ नहीं बल्कि इसकी उन्नति की तरफ ले जाने वाला बजट। मान्यवर, केवल आंकड़ों और केवल हवा हवाई बात। माननीय भी मुख्यमंत्री जी ने अपने 2.25 घंटे के भाषण में प्रदेश की तस्वीर और अपने 6 साल के कार्यकाल का इस तरह से चर्चा करने का काम किया कि जैसे 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कुछ था ही नहीं, जो कुछ किया उन्होंने ही किया। मान्यवर, ये केवल हवा हवाई बात करते हैं और इसका एक नमूना मैं इसी बजट से पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके पेज 4 पर इन्होंने कहा है कि गन्ना उत्पादकता के में 1,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि, 1,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि। अब आप सोच लें कि अगर यह सही हो सकता है तो हम सारे बजट को सही मान लेंगे। मान्यवर, हर साल ये सरकार ये चर्चा करती है कि हमने बहुत भारी भरकम और ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करने का काम किया। ये बात सही है कि इनका भारी भरकम सूचना के मामले में रहता है। सूचना का बजट जहां 2018-19 में 426 करोड़ था, 22-23 में बढ़कर 1545 करोड़ हो गया, जो मान्यवर इसलिए कि जिससे इनका जो कमियां है उसको उजागर ना हो पावे और केवल जो ये कहें वही को दिखाने का काम करें। मान्यवर, ये सदन की एक विश्वसनीयता होती है और सदन का में बजट जो प्रस्तुत किया जाता है वो कितना विश्वसनीय है इस पर भी चर्चा होती है। मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जी प्लीज बताएं। इसकी एक विश्वसनीयता होती है, लेकिन इस सरकार का जो भी बजट आता है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के लच्छेदार भाषण देते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। पिछली बार माननीय खन्ना जी ने जब बजट प्रस्तुत किया तो इन्होंने कहा कि हमने 4,50,000 सरकारी नौकरियां दी, उसी के 3 दिन भाषण देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 5,00,000 सरकारी नौकरियां दी, यानी 3 दिन में 50,000 की संख्या बढ़ गई। ये इस बात को परिलक्षित करता है कि इस सरकार को वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। जैसे बाहर भाषण दिया जाता है उसी तरह से सदन में भी भाषण देने का काम करते हैं। मान्यवर, मैं आपके आंकड़े के माध्यम से जो इनका बजट है उसको मैं रखना चाहता हूं। 2016-17 में इन्होंने रखा था, 2016-17 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने वित्त मंत्री के हैसियत से बजट प्रस्तुत किया था, तो बजट जो प्रस्तुत किया गया था वो 3,46,954 करोड़ रुपए का, और जब वास्तविक उसका आंकड़ा आया मान्यवर तो वो लगभग 3,33,425 यानी 96% जो बजट का अनुमान था उसके सापेक्ष रहा। 2017-18 से आपने बजट प्रस्तुत करना शुरू किया। 2017-18 में इन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया मान्यवर, 3,84,659.71 करोड़ का, और जब वास्तविक इसका आंकड़ा आया
तो 3,21,822 करोड़ यानी 16-17 से भी कम हो गया, पर 83% केवल खर्च हो पाया जो अनुमान था। 2018-19 में इन्होंने लटका 4,28,384.52 करोड़, खर्च हुआ 3,91,000 करोड़। 2019-20 में रखा 4,79,701 करोड़, खर्च हुआ 3,83,335 करोड़, जो 79% यानी 21% कम खर्च हुआ। 2020-21 में रखा इन्होंने 5,12,860 करोड़, खर्च हुआ 3,78,710 करोड़, यानी केवल 73% खर्च हुआ। मानवर इसी तरह से 2021-22 में 5,50,000 का मूल बजट था और खर्च हुआ 4,39,000 यानी 79%। मानवर 2022-23 में 6,15,000, 22-23 में बजट रखा गया था 6,15,518 का। मानवर जो अभी तक 22-23 का चल रहा है, अभी तक जो इनका खर्च है मानवर, वो खर्च अगर आप देखने का काम करेंगे तो लगभग 57% खर्च हुआ। आवास विभाग में मानवर 39%, भारी और मध्यम उद्योग विभाग में 29%, ऊर्जा विभाग में 66%, कृषि विभाग में 55%, ग्राम विकास विभाग में 57%, चिकित्सा शिक्षा विभाग में 55%, चिकित्सा एलोपैथी में 52%, नगर विकास विभाग में 39.6% और लोक निर्माण विभाग में 33% और सड़कों और रखरखाव वाले मद में मान्यवर केवल 28%। इसी तरह से नमामि गांगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग में 39% और सिंचाई विभाग निर्माण में 26.6%। मान्यवर इस तरह से इस सरकार ने जब पैसा देते हैं, अब केवल एक महीना शेष है, एक महीना में 50% से 100% जाना संभव नहीं है, और इसलिए है कि इनकी प्राप्तियां भी नहीं हो रही। मान्यवर 2000 मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो परिसंपत्तियां सृजन होता है वो प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण रोल निभाता है, और बजट का मुख्य अंश जो विकास के मद में आता है वो पूंजीगत व्यय होता है। मान्यवर मैं आपसे के संज्ञान में लाना चाहूंगा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 2.25 घंटे के भाषण में प्रदेश को कहां से कहां ले जाने की बात कर रहे थे, कितने हवाई अड्डों की बात कर रहे थे, कितने कृषि विज्ञान केंद्र की बात कर रहे थे। कृषि के मामले में पूरे देश के जो अन्य प्रांतों का कृषि पर उनके बजट का जो परसेंटेज है वो लगभग 5.5% है, और हमारे यहाँ जो आपने बजट प्रस्तुत किया है उसमें 2.25% है। आप इसी से अनुमान लगा ले कृषि का क्या विकास होगा। दूसरे पूंजीगत के बारे में मैं बताना चाहूंगा, 16-17 में मान्यवर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, और माननीय मंत्री जी इसको फिर से चाहे वो नोट कर ले वित्त मंत्री जी, 16-17 में पूंजीगत परिव्यय जो वास्तविक आया आंकड़ा वो था 69,789.12 करोड़, 69,789.12 करोड़, और जब 17-18 में आपने बजट प्रस्तुत किया और उसका जब वास्तविक आंकड़ा आया पूंजीगत परिव्यय का तो वो आया 39,087.97 करोड़, यानी 69 से घटकर 39,000 हो गया। अब आप कह रहे हैं हमने विकास कर लिया, हमने इतनी सड़कें बना डाली, हमने इतना विज्ञान केंद्र बना डाला, हमने इतना बना डाला। मान्यवर इसी तरह से 18-19 में 62,000 करोड़, 19-20 में 59,000 करोड़, 20-21 में 52,000 करोड़, यानी सभी वर्षों में 69,000 और 64,000
जो माननीय अखिलेश जी ने पूंजीगत प्रवेश में वास्तव में खर्च किया उसको कहीं छू नहीं पाया, जबकि महंगाई 4-10 गुना से ज्यादा बढ़ गई। इस तरह से ये बजट, अब विकास अगर हो रहा है तो केवल भभूत से अगर होता हो विकास तो संभव हो सकता है मानव, अगर भभूत से विकास नहीं होता, पैसा दे नहीं रहे हैं, जो दे रहे हैं वो खर्च नहीं हो रहा है, तो सड़कें कहां से बन रही मानव। इसी तरह से मानव इन्होंने विवेक किया, अभी माननीय मंत्री जी का मुख्यमंत्री जी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, मानवर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, मैं उस पर आना चाहूंगा। मानवर इन्होंने जो अनुसूचित जाति विभाग है उस अनुसूचित जाति विभाग में वर्ष 22-23 के बजट में जहां 2109 करोड़ रुपए था 81 मद में, 2023-24 में 14.8% कम कर दिया 17,697.66%। इसी तरह से अल्पसंख्यक विभाग में मानवर 2022-23 के बजट में 3,039.47 करोड़ में 21.5% की कमी करके वर्ष 2023-24 में 2,339.73 करोड़ किया गया। इस तरह से मानवर भेदभाव करने का काम किया गया। दूसरी तरफ मानवर अनुसूचित जाति का और पिछड़ी जाति का जो छात्रवृत्ति मद है मानवर, मानवर मैं आपके से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रवृत्ति हो वर्ष 2022-23 में प्रावधान रुपया 1674.05 करोड़ किया गया था और अब तक जो छात्रवृत्ति खर्च की गई है मानव ये बड़ा ढिढोरा पीट रहे हैं, ये पिछड़ी जात का है मानव। और जब हम उसकी जनसंख्या की बात करते हैं कि उसका जाति जनगणना होनी चाहिए तो जात का नाम लेते हैं, मालपुआ ये खाएंगे और हमें कुछ भी देने का नहीं। मान्यवर 265.72 करोड़ रुपया वितरित हुआ है 1674 करोड़ में, जो केवल 15.9% है। जितना पैसा दिया गया उसमें वितरित किया गया 15.9%। समाज कल्याण विभाग में 80 और 83 में छात्रवृत्ति हेतु वर्ष वर्ष अनुसूचित जाति 22-23 के प्रावधान किया गया था 1558.58 करोड़ रुपए में से अब तक 357.26 करोड़ रुपया वितरित किया, जो 22.9% है। और अनुसूचित जनजाति के छात्रवृत्ति, हमारे एक मंत्री जी हैं कल बड़ा ढिढोरा पीट रहे थे कि माननीय योगी जी मोदी जी माननीय अनुसूचित जात के लिए बड़ा काम किए हैं, अनुसूचित जनजात के लिए 2 सीटें रिजर्व कर दिया। अरे सीटें रिजर्व करता है आयोग, सरकार नहीं करती, आप मंत्री भी हैं जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ने आयोग ने रिजर्वेशन दिया संख्या के आधार पर, अगर जनगणना न हुई होती तो आपका रिजर्वेशन न होता, इसलिए जनगणना होना आवश्यक था। लेकिन आपने कह रहे थे अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति हेतु 22-23 में प्रावधान किया गया 42 करोड़ रुपया और वितरित एक नया पैसा भी अभी तक नहीं हुई है अनुसूचित जनजाति की छात्रवृत्ति। मानवर इसी तरह से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति हेतु वर्ष 22-23 में प्रावधान रुपया 828 करोड़ में से अब तक 39.92 करोड़ रुपया वितरित हुआ, जो 4.8% मान्यवर। अब इस तरह का भेदभाव, इसी तरह से अनुसूचित जाति का बेटियों का जो अनुदान था शादी का वो बंद कर दिया गया और कहते हैं कि हमने भेदभाव नहीं किया, बिना भेदभाव के हमने बजट प्रस्तुत करने का काम किया। मान्यवर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस तरह से यह सरकार केवल घोषणाएं करती है,
भेदभाव करते हैं, सबको साथ सबका सम्मान के साथ भेदभाव करते हैं। अभी चाचा माननीय शिवपाल यादव जी की चर्चा कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी इनका सुरक्षा घटा दिया जैसे साथ में आए, और माननीय श्री ओम प्रकाश जी हैं राजभर जी, हम लोगों का साथ जैसे छूटा तैसे वायु श्रेणी की सुरक्षा। मान्यवर हर माननीय विधायक को दो गनर लगभग मिले हुए हैं, सत्ता पक्ष के सभी विधायकों को दो दो गनर, किसी किसी के पास चार गनर, मुझे शासन की मंजूरी से दो गनर मिला था। अभी जब मैं बजट में आया, जब से ये बैठक चलने लगी, एक गनर वापस कर लिया, और कहते सबका साथ सबका विकास। मान्यवर भ्रष्टाचार की जो स्थिति है, मान्यवर ये कारण क्या है कि हवा हवाई तो घोषणा करते हैं, प्राप्तियां हो नहीं पाती। मान्यवर जो प्राप्तियां हैं, मैं उसका जिक्र करके फिर मैं दूसरी बात पे आना चाहूंगा। जो प्राप्तियां हैं इस सरकार ने 2022-23 में जो इन्होंने अनुमान लगाया था स्वयं कर राजस्व से, जिसमें 2,20,665 की प्राप्तियों का अनुमान था, 11 महीना बीत जाने के बाद 1,49,276.68 करोड़ की प्राप्ति हुई। एक महीना शेष रह गया, 67.7% की प्राप्ति हुई है। अगर ये प्राप्ति इस तरह के है मानवर, तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे जो इन्होंने ग्रोथ कहा $1 ट्रिलियन, अब ट्रिलियन डॉलर अभी हमारा जो जीएसडी सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो लगभग 20 लाख करोड़ के आसपास है। 81 लाख करोड़ पहुंचाने में आज की दर से, और रुपए का अवमूल्यन और होगा तो डॉलर की कीमत और बढ़ जाएगी, आज की स्थिति में तब तक वो प्राप्त कर लेंगे केवल $1 ट्रिलियन। मान्यवर सब जबाग दिखाकर जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। पक्षपात पूर्ण ये सरकार पूरी तरह से पक्षपात पूर्ण काम कर रही है, पूरी तरह से भेदभाव के साथ, जातियों के साथ, धर्मों के साथ। हमारा जो सरकार है, ये बाबा साहब का जो संविधान है, बाबा साहब ने 25 फरवरी 1949 को जब संविधान सभा का में अपना अंतिम भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हमने बड़े बलिदानों के बाद इस देश की आजादी पाई। मैं चिंतित रहता हूं कहीं फिर से तो दोबारा हम पुनरावृत्त नहीं करेंगे, और इसलिए कि हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी बड़े पैमाने पर, हमारे देश में अंधविश्वास और भक्ति वीर पूजा बड़े पैमाने पर, ये चीजें भक्ति और वीर पूजा व्यक्ति के लिए आवश्यक हो सकता है, अंधविश्वास व्यक्ति के लिए हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र के लिए घातक है। अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है तो समतामूलक समाज की स्थापना करनी होगी, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब को कोट करते हैं, उनके विचार के आधार पर एक भी काम नहीं करते। अभी मान्यवर 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, पक्षपात किस तरह से हुआ, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उस 69,000 शिक्षकों में जो पिछड़ा वर्ग आयोग इन्होंने बनाया दिल्ली में, उस पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा, जिसको संवैधानिक दर्जा देकर बनाया, उसने कहा कि 1994 में उत्तर प्रदेश ने आरक्षण अधिनियम बिल पास किया था, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में सरकार थी, उन्होंने पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति के लिए अधिनियम बनाया था, और उसमें इस व्यवस्था की थी कि 50% सामान की भर्ती होगी, उसके बाद जो शेष बचेंगे 50% उसमें से जो है पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति को लिए जाएंगे। इसका तात्पर्य है कि सामान्य कैटेगरी का कटाव हमेशा ज्यादा होगा
पिछड़े और अनुसूचित जाति के मुकाबले। आज उल्टा हो गया, हम जो उसमें आ जाते हैं वो लिए नहीं जाते, और उसी का परिणाम है कि उसने कहा कि 18,598 सीट की जगह मात्र 3.86 यानी 2,637 मात्र पद पिछड़ी जाता और अनुसूचित जाता 67% केवल 21% के अनुसार करीब 11,490 पद भरे गए। यानी उन्होंने माना कि 19,000 पद पिछड़ी जातों और अनुसूचित जातों और होना चाहिए। हमारे छात्रों ने लड़ाई लड़ने का काम किया, सरकार ने स्वयं स्वीकार किया कि 6,800 पद के साथ नाइंसाफी हुई है, इसमें पिछड़ों और अनुसूचित जाति के लोगों को और भर्ती होनी चाहिए, मान लिया, और उसके बाद भी आज तक वो भर्ती करने का काम नहीं किया गया। मान्यवर, इस तरह से पक्षपात करने का काम किया जा रहा। मान्यवर, दूसरी तरफ से जहां कानून व्यवस्था मैं नहीं जाना चाहूंगा, इसलिए कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी उस पर विस्तार से चर्चा करने का काम करेंगे, लेकिन मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न संस्थाओं में जो पिछड़े वर्ग का स्थिति है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, विश्वविद्यालय, प्रोफेसर पद को ले लें, चिकित्सा विश्वविद्यालय हो उसमें प्रोफेसर के पद को ले लें, मान्यवर, अन्य संस्थाएं हैं, चाहे वो हाईकोर्ट हो, सचिवालय हो, कहीं भी ले लें, उसमें क्या पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है? अगर नहीं पूरा है और कहते सबका साथ सबका विकास, वोट तो आप ले लेंगे गुमराह करके, और उसके बाद आप उनका साथ देने काम नहीं करेंगे। मान्यवर, दूसरी तरफ हमारे मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हमने 24 करोड़ में 14 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। हम उनकी बात मान रहे हैं मान्यवर, 24 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया? अभी जनगणना हुई नहीं, पहली बार इस देश की पहली बार ऐसी स्थिति आई कि 21 में जनगणना होना चाहिए था, आज 23 चल रहा है, 2 साल बीत गया, अभी तक जनगणना नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। मान्यवर, उसके बावजूद भी 24,00,000 करोड़, 25 करोड़, जो भी जिसके मन में आता है बोल देता, मैं उसको मानता हूं, और कह रहे 14 करोड़ को हम राशन दे रहे हैं, यानी राशन आपने 70% से ज्यादा लोगों को दे रहे हैं, इसका मतलब कि 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं, और आप हवाई लूट रहे कि हमने ये कर दिया, हमने आसमान पर पहुंचा दिया। मान्यवर, इसी तरह से एक बात बहुत बहुत कहते हैं कि क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी के बारे में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बताया, हमारे तमाम सदस्यों ने बताया, और यही माननीय मंत्री जी खड़े होकर स्वयं कहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है तो पूरा होगा, पूरा तो नहीं हुआ। क्रेडिबिलिटी की बात छोड़ दीजिए, जहां तक चुनाव जीतने को अपनी क्रेडिबिलिटी मानते हैं, तो मान्यवर 1951 में कांग्रेस जीती, 1957 में कांग्रेस जीती, 1962 में कांग्रेस जीती, 1967 में कांग्रेस जीती, 1969 में कांग्रेस जीती, 1974 में लगातार कांग्रेस जीती, तो मान्यवर उसकी भी क्रेडिबिलिटी थी। आप उसकी आलोचना क्यों करते हो कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? आप 4 बार 77 में माननीय नेताजी के साथ जनता पार्टी थी जीते, 89 में जीते, 93 में जीते, 2012 में जीते, और उसके बाद भी आप कहते हो कि क्रेडिबिलिटी नहीं, इन्होंने काम नहीं किया इसलिए जनता ने नकार दिया। 4 बार ये बने, आप तो अभी 2 बार बने हो, पहला वाला मिला लीजिए 3 बार बने हो, और आप कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी, जनता का आकलन, आप जनता को अंधविश्वास के में झोंक कर और उसको ऐसा पाठ पढ़ा रहे हैं धर्म के आधार पर कि उस पाठ में फंसकर अपने हितों को देखने में पीछे छूट जा रही है, और उसके बाद उसके संसाधन को आप अपने लिए प्रयोग करने का काम कर मान्यवर उसी तरह संक्षिप्त करें। हाँ, संक्षिप्त कर रहा मान्यवर, उसी मैं, ये क्रेडिबिलिटी है मान्यवर। बंगाल में ममता जी जीत रही हैं, वो क्रेडिबिलिटी नहीं, वहां जाकर विरोध करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, तो फिर आपने अपने जीतने पर दोबारा सिर्फ जीतने को इतना, और वो भी संख्या घट गई, 325 जीत कर आए थे, अब की 252 में हक सिमट गए, और आप उसको क्रेडिबिलिटी कह रहे हैं? मान्यवर, इस तरह से ये ढिढोरा पीटने काम करते। जहां तक मान्यवर जल जीवन मिशन का सवाल है, हर घर को नल,
मान्यवर आप चले जाइए लखनऊ के लिए ही ले लीजिए उदाहरण, यहां टंकियां लगी हैं मान्यवर, और एक घर बता दीजिए चाहे वो माननीय मंत्री जी रह रहे हों चाहे जितने विधायक का अपना घर बनाकर रह रहे हों, उस जल मिशन से उस टंकी से पानी पाकर कोई नास्तान कर पा रहा है? अगर सफल नहीं यहां है तो गांव में मान्यवर मेरे क्षेत्र में प्रतापपुर चमुरखा है, माननीय नेता प्रतिपक्ष के समय में ही टंकी स्वीकृत हुई थी, बन के तैयार होगी, हर घर को कनेक्शन हो गया, सुबह 2 घंटा पानी आता है, दोपहर में 2 घंटा आता है, शाम को 2 घंटा आता है, और कभी कभी 15-15 दिन तक पानी नहीं आता है। यह है आपका जल जीवन मिशन। और आपने सड़कों को खोद डाला, हर जगह हर गांव में सड़क खोद डाला, बड़े मुश्किल से गांव की सड़क बनती है मान्यवर, लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी के साथ भेदभाव करते हुए उनका पैसा दे नहीं रहे हैं, उनको पंग बना दिया और सड़कें तोड़ दे रहे हैं, उसके निर्माण का कोई काम नहीं कर रहे हैं। मान्यवर जहां तक विद्युत का सवाल है, हम बड़ा ढिढोरा पीटते, हर तीसरे दिन चौथे दिन ट्रांसफार्मर फूक जाता, हर तीसरे चौथे दिन सर्वे कराकर ट्रांसफार्मर बदलने की जरूरत है, नहीं बदला जा रहा। मान्यवर किसान की बात करते हैं, किसान को ट्यूबवेल के लिए चाहे 300 मीटर तक फ्री बिजली मिलती थी, उसका सरकारी खर्चे पर बिजली पहुंचाने का काम किया जाता था, अगर 300 मीटर आज हमें बिजली लेना अपने नव ट्यूबवेल के लिए तो कम से कम 2 लाख रुपया जमा करना होगा तब मिलेगा। तो मान्यवर इसी तरह मान्यवर तो माननीय सदन साहब बैठ जाइए, बस बस 2 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं। मान्यवर इस तरह से आज ट्यूबवेल में बिजली ट्यूबवेल के लिए बिजली नहीं मिल पा रही है। मान्यवर दूसरी तरफ ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, बदले नहीं जा बदल रहे हैं, तुरंत फिर फूक जा रहे हैं, उसकी क्षमता वृद्धि के लिए पैसा नहीं है। किसान से ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए सामान्य योजना में 52,000, 65,000, 63,000 रुपया जमा करा लिया और माननीय मंत्री जी आज तक उन किसानों को और राह जो बाह जोड़ रहे हैं कि हमें कब बिजली मिल जाए, 2-2 साल चार चार साल हो गया उनको बिजली नहीं दी गई, उनका कनेक्शन नहीं लगाया गया। हमने एक प्रश्न पूछा तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि वो पूरा धनराशि जमा कर दे, यानी जितनी सामान्य योजना का मतलब कि बाकी छूट का पैसा था 52,000, 65,000 जो शेष था उन्होंने जमा कर दिया। माननीय वित्त मंत्री जी ने पैसा ऊर्जा विभाग को नहीं दिया कि उस सामान्य योजना का नलकूप का कनेक्शन कर दिया जाए, इस पर आप अपने विचार रख देंगे मान्यवर। समाप्त तो बस एक शब्द होता के मान्यवर इसी तरह से भ्रष्टाचार की बात आती है। मान्यवर आप भी विधायक हैं, सदन में सारे विधायक हैं, हमारे जिले में मान्यवर हर 1.5 महीने पर थानेदार बदल दिए जाते हैं। किस लिए बदले जाते हैं? शाम को पुलिस सस्पेंड होते हैं, सुबह बहाल कर दिए जाते हैं। किस आधार पर बहाल किए जाते हैं मान्यवर? निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार बढ़ा नहीं है, भ्रष्टाचार आसमान को छू रहा है। और भ्रष्टाचार की एक और उदाहरण देकर मैं अपनी बात खत्म करूं मान्यवर। मान्यवर लखनऊ से आगरा तक एक्सप्रेसवे बना है, आप रोज जाते हैं उस पर, उसी से आप जाते जाते हैं, एक बार पूर्वांचल पर चढ़ते देख ले मान्यवर, अगर आप चले जाए उसी रफ्तार में तो अगर सर न फूट जाए तो आप कहिए मान्यवर। इस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस पड़ा है, जिसको आप मान्यवर आप इसको स्वयं देख लें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तब हवाई जहाज उड़ते हैं उस पूर्वांचल पर, उद्घाटन के बाद तो चलते आपकी बात आ गई माननीय सदन मान्यवर। तो इस तरह से मान्यवर दूसरा एक और बात करके एक मिनट और लूंगा मान्यवर। उद्योगों की बड़ी चर्चा की गई मान्यवर, इस देश के किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह थे, उनका यह कहना था कि देश के विकास का रास्ता खेतों और खलिहानों से जाता है। मान्यवर आज जो हमारे उन्होंने कहा था, एक किताब लिखी मान्यवर, हमारे मुख्यमंत्री जी को पढ़ लेना चाहिए, कि भारत की भयावह आर्थिक स्थिति कारण और निदान, उन्होंने कहा था कि हमारे देश में जापान की नकल करनी चाहिए, हमें छोटे छोटे कुटीर उद्योग बढ़ावा देना चाहिए, हमारे प्रदेश में बुनकर उद्योग बड़े पैमाने पर बता, आज उसको 65 रुपए प्रति हॉर्स पावर सब्सिडी देकर
बिजली देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे थे। समाप्त करें सरकार, बस एक सेकंड, बस यही बात, आप समाप्त करें, ये बात पूरी हो जाए। बिजली देने का काम कर रहे थे, इन्होंने समाप्त कर दिया। यानी कुटीर और लघु उद्योगों को मारकर बड़े बड़े उद्योग बिहार में लगे थे, बिहार की आर्थिक स्थिति कहां पहुंच गई। आप केवल बड़े उद्योग पर और किस जिले में लगा, इसकी सूची भी देने का काम करें। ऐसा आपसे निवेदन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं अंत में कि दिनकर जी का दोहा बहुत पढ़े, लेकिन दिनकर जी का एक कविता ये भी है कि सिंहासन खाली करो जनता हाथ में। मान्यवाद, निश्चित रूप से अब आपको खाली करना पड़ेगा। दिल्ली से भी और लखनऊ से भी आप सत्ता से बेदखल हो गए, अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।